तो ये रुचि सोया का नर्सरी है यहाँ। इधर हम लोग पाम प्लांटेशन के लिए नर्सरी करते हैं और ये काफ़ी बड़ा नर्सरी है, अच्छा है, और इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी है, तो ये बहुत अच्छा नर्सरी है इधर। और इसको जैसे राजस्थान में ये फव्वारे से खेती करते हैं तो इसको ऊपर से पानी दे देते हैं। कितनी देर में तैयार हो जाता है इसका नीचे सीड से? तैयार सीड से तैयार हम 12 महीने के बाद भी देंगे। 12 महीने ग्रो करके 15 महीने को 18 महीने को हम फार्मर 12 से 15 महीने में फिर किसान को दे देते हैं और सारा इसके अंदर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है इसका नर्सरी तैयार करने में। फार्मर को 10 ही रुपये का देते हैं। 10 ही रुपये। और इसका लागत कितना लग जाता है एक पौधे के ऊपर? अराउंड 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, करीब 100 रुपये इसका लागत लग जाता है, तो बहुत अच्छा है। रुचि के पास जो करीब 50,000 हेक्टर लैंड के अंदर पाम प्लांटेशन, उसमें करीब 33 हेक्टर वो आंध्रा में है और उसमें करीब 100 ऐसा कलेक्शन सेंटर है, यहाँ इंफॉर्मेशन भी मिलता है सारा पाम प्लांटेशन के बारे में। और ऐसे ये सीड कलेक्शन करके फार्मर अपने खेत से ऐसे लेके आते हैं अलग अलग जगह से और फिर ये उधर रुचि का प्लांट में ऐसे जाता है। इसका भी इन्होंने बढ़िया टेक्निक करो, इतना भारी एक बंच है उसको एक स्टिक से डाल करके उठाते हैं। उठा ऐसे क्या बात है। कितना आता है एक ट्रक में? 17 टन। अरे स्वामी जी, ये वाला भी बताएंगे ना, ये ऊपर वाला जो सीपीओ आते हैं, ये शेल है, इसमें कर्नल है। हाँ, ये जो कर्नल ऑयल बोल रहे थे, ये पूरा इसके अंदर का जो बीज है इसमें ऑयल निकलता है। कितना परसेंट निकलता है ये ऊपर का? 17% का था ऑयल। 100 किलो में कितना ऑयल निकलता है? 100 किलो 17 to 18 केजी। 17 to 18 17 to 18 की जो है ये तो ऑयल निकल जाता है इसके अंदर। और ये जो अंदर वाले में कितना ये कितना परसेंट तक आ जाएगा? ये नहीं, 100 किलो केजी में ये कितना निकलता है? 2 केजी ओनली। ये ओनली 2 केजी निकलता है। और इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, वो नारियल से भी ज़्यादा अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है। अभी तक इसको लोग आइसक्रीम में और उसमें सब में डालते हैं लोग। एक एक का वेट कितना हो जाता है? 25 से 30 किलो तक इसका एक एक का वेट हो जाता है। क्या बात, बढ़ोतरी उसको ज्यादा। हाँ, ये तो 40 की जरूरत है। ये भी मोटा है, बहुत 45-50। तो ऐसा करीब 100 कलेक्शन सेंटर्स है रुचि का। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा कर रहे हो सब लोग। 15 एकर्स के अंदर पहले 30 इयर्स का पूरा दूसरा पाम हो गया था, बड़ा वो बड़ी वो सब झाड़ निकाल दिया है सब निकाल के और अभी नया झाड़ लगा रहे हैं। ऐसा था वन प्लांट का बना हुआ है और अभी नया लगा ये मैंने नहीं लगा। ओ
स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। आपका खेत सबसे अच्छा हो, खूब बढ़िया हो।